पन्ना जिले के शाहनगर वन मंडल के अंतर्गत टिकरिया बीट गंगा झिरिया भोलेनाथ धाम में विगत दिनों वन विभाग के एसटीओ हेमंत यादव, शाहनगर रेंजर श्रीमती जानकी यादव एवं वन कर्मियों की उपस्थिति में बच्चों को वनों की सुरक्षा, अच्छी शिक्षा एवं वन प्राणियों की सुरक्षा हेतु अनुभूति कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अच्छी शिक्षा व ज्ञान देने वाले वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिसानी टिकरिया से आए हुए विद्यालयों के शिक्षक व लगभग 120 छात्र छात्राओं को जूता पहनकर भोज कराया गया, जो ये किसी भी दम में धार्मिक स्थल पर ऐसा निंदनीय कार्य करना संस्कृति के खिलाफ माना गया है। और ये जानते हुए भी वन विभाग के अधिकारी इस निंदनीय कार्य से अनजान बने रहे। संवाददाता हरिशंकर बेन की खास रिपोर्ट। बताते हुए कि आप लोगों को कर्णधार हो, आप लोगों को ये देखना है कि जंगल ना संकट में ना पड़ जाए, जो कि देखते हैं कि हम जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं तो जनता घुस रही है, शेर जानवर जो भी हैं बाहर आ रहे हैं, फिर हम उनकी सुरक्षा करते फिरते हैं, तो आज जो हो गया आगे इसकी गतिविधियाँ। अभी भोजन की व्यवस्था थी, इसमें हमने देखा कि आपके विभाग के कर्मचारी जूते पहन के खाना परोस रहे थे, ऐसा हमने अभी देखा, तो क्या सर ये उचित था? नहीं नहीं, देखिए ऐसा जूता पहन के क्या है, जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, वो सब चलता है, उसमें क्या जूते पहन के तो अब हम भी वहाँ खड़े थे। नहीं, जैसे अनुशासन का तो विशेष ध्यान दिया जाता है और इसी विषय पे ये तो अपना कार्यक्रम होता है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल उसका ध्यान दिया जाता है, उसमें कोई तो इसमें थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा यदि सूज वगैरह उतार लिए जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं, वो तो हम लोग ध्यान रखते हैं, कई बार क्या होता है कि उतना जो है जल्दबाजी में और व्यवस्थाएं कई बार वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, तो उसका तो सब चीज़ें हैं, अनुशासन होना चाहिए। सर सुनना क्या होगा?